कुछ नहीं हुआ है माँ, बस थक गया हूँ थोड़ा। हाँ माँ बोल तो। अच्छा आता हूँ मैं। तरस आता यार तेरे लाइफ पे, कितने प्यार से झाड़ू मार रहा था। थक जाता होगा ना कजिन्स की ड्यूटी करते करते। माँ मैं कॉल बैक करता हूँ, है ना। इतना सुनने के बाद भी तू सुधरा नहीं ना। सुधर तो तू भी जाता अगर तेरे बाप ने बचपन में दो लगाए होते। उसे भी तुझसे कोई उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए छोड़ गया भाग के। ये क्या लगा रखा है? रितेश मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था ना? जी दाजी। दाजी मैं तो चुपचाप जा रहा था, सौरभ को क्या मालूम क्या हो गया, मुझे आगे कुछ कुछ बोलने लगा। मैंने जवाब दिया तो मुझे मारने लग गया था। दादाजी झूठ बोल रहा है, मैं वहां पे सिर्फ बकवास। बंद करो। इस घर को क्या बना रखा तुम लोगों ने? चिड़ियाघर। मैं तुम्हारी मां की इज्जत करता हूं, उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। जाओ यार अभी का भी जाओ। जाओ। जी दादी। रितेश तुम ठीक हो ना? गाइस मैं सबके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ यार। ओके रितेश, पर तूने जो कल किया वो ठीक नहीं था। आई नो यार उमेश, बट मैंने सॉरी भी कहा ना यार। कल रात की बात एक गलती थी, मैं बस निशा को समझाना चाहता था। आई एम रियली सॉरी यार, पर मैंने इस घर में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका भला ही चाहा यार। अगर किसी का बुरा चाहता तो कीर्ति क्या मैं तुम्हारा एडमिशन करवाता? और उमेश ब्रो तुम्हारा सीक्रेट भी मेरे पास सेफ है, मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि आई केयर फॉर यू यार। मैं सबकी केयर करता हूँ इस घर में। तो फिर माँ को किसने बताया? क्या मॉम को पता चल गया? हाँ मैं क्यों बताऊंगा यार, पागल है क्या? निशु नहीं, नहीं निशु क्यों बताएगी? इस घर में कोई मुझे ट्रस्ट ही नहीं करता। मेरी गलती है कि मैं सबके क्लोज आने की इतना कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट स्टॉप इट रितेश, तुमने कोई गलती नहीं की। नहीं कीर्ति गलती है, तभी सौरभ जो इस घर का मेंबर भी नहीं है वो भी मुझे मारकर चला गया। रितेश सौरभ की साइड से मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ, उसने ठीक नहीं किया। रितेश आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? हाँ आई एम फाइन, बस थोड़ा सैड हूँ, आई गेस टाइम के साथ ठीक हो जाऊंगा। अंदर से बहुत हर्ट हुआ हूँ यार। साले तुझे अंदर से क्या, तू तो मैं बाहर से भी हट करता हूँ, खड़ा रही तेरी समझा? हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की? सुकू छोड़ उसे। अरे क्या छोड़ूंगा, इसमें मुझे बंटी ने सब कुछ बता दिया। इसने निशु के साथ क्या करा है, इसके साथ यही करना चाहिए। सुकू ये क्या कर रहा है, छोड़ उसे। हट जाओ इधर, खड़ा सबके सामने गुड बॉय बनता है हा? पीछे से दिखा दिया अपने औकात तूने। सुकू तू तो अपनी लिमिट भूल रहा है। अरे हाँ भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ अपनी लिमिट। हाँ तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की? छोड़ूंगा नहीं साले तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं। सुकू क्या कर रहा है, छोड़।
कर रहे हैं जो तू चाहती थी। पहले सौरभ ने रितेश को मारा और अब सुखू। तुझे यही लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता? अरे ओ कीर्ति तू चुप रहे। जब निशु ने तेरे को जतन ने उसके दोस्तों से बचाया था तब क्या हुआ था? हाँ तब तो बोल रही थी हाउ एक्साइटिंग हाउ एक्साइटिंग। अब निशु के साथ किसी ने बदतमीजी करी तो तू चुप रहे छोड़ उसे। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगली बार मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो देखियो साले तेरी ऐसी हालत करूंगा अमेरिका जाके तेरे घर वाले तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। समझा? क्या तू छोड़ यार से बात हो गया। रितेश अपनी गलती के लिए सॉरी बोल चुका है बस। सॉरी बोल चुका। सुकू तू आ जाके बैठ। सुकू जा। और उमेश भैया आपका क्या मतलब है? रितेश ने सॉरी बोल दिया तो उसकी गलती छोटी हो जाएगी? तो क्या मार डालोगे इसे? सब एक एक बेवकूफों की तरह मारते ही जा रहे हो। ये कोई तरीका होता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का? उमेश भैया निशुभ्र तो यहाँ पे लड़ाई रोकने के लिए आया ना, आप उनपे क्यों? ज्वाला तो चुप रहे। मैं निशु से बात कर रहा हूँ ना, तू अंदर जा। आप बात नहीं कर रहे उमेश भैया, आप लड़ रहे। आप यहाँ लड़ाई रुकवाने आए हो ना तो मैं आप ही का सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट? थैंक यू वेरी मच निशु, पर मुझे तेरा सपोर्ट नहीं चाहिए। देख लिया एक बार तुझ पे भरोसा करके। एक मिनट में मम्मी को अमनप्रीत के बारे में सब कुछ बता दिया। ये रहा तेरा सपोर्ट। मैं क्यों बताऊंगी भैया, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ भैया। प्रॉब्लम यही है निशु कि तू कुछ ज्यादा ही समझती है। एग्जैक्टली। पर तू तो निशु है ना, तुझे कोई कुछ थोड़ी बोलेगा। तुझे तो औरों को हेल्प करना अच्छा लगता है ना। पर निशु एक चीज याद रखना, तेरी हेल्प ना सबके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और कुछ नहीं। क्या बात कर रहा है यार उमेश? उस रात छत पे जब यही निशु डॉली को बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी तब कहाँ थे तुम सब? तब तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? सौरभ तू प्लीज चुप रहे। उमेश हाथ मत लगा। क्या करेगा तू? उमेश भैया आप इससे पंगे मत लो। इसने अभी अभी रितेश को मारा है, आपको भी मार देगा। सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी प्रॉब्लम मैं मेरी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। आई बात समझ में? बस करो यार तुम लोग सब। हम सब कजिन से, हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उमेश भैया मैंने हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश की। पहले अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ले फिर दूसरों की हेल्प कर। बात तेरी या मेरी प्रॉब्लम की नहीं है कीर्ति, इस ग्रुप में एक की प्रॉब्लम हम सबकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू वांट? तू जो बोले उसे हम एक्सेप्ट कर ले। रितेश निशा के साथ रोमांटिक हो गया तो सब तलवार उठा के खड़े हो जाए, है ना? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रोमांटिक होना कोई क्राइम नहीं है। छोड़ यार कीर्ति, तुझसे तो कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। और अगर तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती तो एटलीस्ट उनका मजाक तो मत उड़ा। मजाक? मजाक तो तूने सौरभ और सुकू ने बना के रखा है। एक लड़ रहा है, दूसरा मार रहा है और तू उनको डिफेंड कर रही है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ यार। बस कर यार निशु, बहुत हो गया। रितेश अपनी गलती के लिए सॉरी बोल चुका है, दादाजी के सामने बात हो चुकी है, और क्या चाहिए? हम दोनों पे चिल्लाने से अच्छा ये होगा तू सौरभ को और अपने हाइपर भाई को जाके संभाल। मेरा भाई सुकू क्या आपका भाई नहीं है? अगर ऐसी बेवकूफी करेगा तो नहीं वो मेरा भाई।
साले हम सब यहाँ लड़ रहे हैं और तुझे हंसी आ रही है। सही है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।